हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति एजुकेशन सेंटर। आज मैं एक वीडियो में ही आपको सारे टेंसेस लर्न करना बताऊंगी। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से पूरा रिवीजन करवाऊंगी टेंस का। मैंने इस पर सेपरेट वीडियोस अब तक बनाई थी डिटेल में, लेकिन आज आप इसी वीडियो से पूरा टेंसेस लर्न कर लेंगे। और डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो पूरा रिवीजन आप एक ही वीडियो से मेरी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेंस। सारे टेंसेस, कैसे टेंस फॉर्म हुए, कैसे उनके रूल हैं, तो आइए हम देखते जाते हैं, वन बाय वन हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। टेंसेस होता क्या है? टेंसेस हमको जो टाइम बताता है, हम टेंस उसे ही समझते हैं, उसे ही बोलते हैं। विच डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ डूइंग वर्क और एक्शन। एक्शन कब हो रहा है एक्चुअल में, जो हमें ये बताता है। लेकिन क्या सिर्फ टेंसेस टाइम बताता है? ठीक है, अब जैसे कि टाइम कितने टाइप्स के होते हैं, टाइम तो थ्री टाइप्स के हो गए ना। देखिए, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये मेरा क्या चल रहा है, प्रेजेंट। ये मेरा प्रेजेंट चल रहा है। अब प्रेजेंट से पहले मैंने जो भी काम किया होगा वो मेरा पास्ट हो चुका है, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल। और इसके आगे जो काम होगा या जो मैं करने का सोचूंगी वो फ्यूचर टेंस के रूप में कहलाएगा, यानी कि आने वाला काल। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गई, अभी जो है वो हम बोलते हैं उसे प्रेजेंट, और इसके पीछे अगर हम जाते हैं वो होता है हमारा पास्ट। और इसके आगे का अगर हम कुछ सोचते हैं कल के बारे में करने के लिए तो हम बोलते हैं फ्यूचर। तो सिंपल हो गए इधर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पर एक्चुअल में क्या हम यही पढ़ते हैं? हमने तो बहुत टाइप के टेंसेस सुने हैं, 12, वो कैसे हुए, हमको क्या जरूरत पड़ गई? हमने तो सिंपल टाइम डिस्क्राइब कर दिया ना। सिंपल टाइम डिस्क्राइब हो गया, टेंसेस मतलब क्या डिस्क्राइब कर रहा है? सिंपल डिस्क्राइब कर रहा है आपका टाइम। लेकिन मेरे अब सेंटेंसेस को सुनिए, मैं आपको पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं डेली सुबह 6 o'clock उठती हूं, आई डेली वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इसमें उठती हूं। अच्छा, आई डेली वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इसमें तो मैंने ing नहीं लगाया, और ये काम मैं अभी तो नहीं कर रही, लेकिन ये है ये प्रेजेंट ही। मैंने जस्ट अभी ये वर्क फिनिश किया है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, इसमें भी मैं हाँ लगा रही हूं पीछे, मतलब प्रेजेंट है, लेकिन ये तो फिनिश हो गया है। तो क्या हम एक केवल प्रेजेंट के टाइम से ही टेंस डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, इसी तरह से पास्ट में है, केवल टाइम के बेस पर डिवाइड नहीं हो सकता, उस टाइम को भी हम स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि टेंस को हम टू टाइप से हम देख सकते हैं। टेंस बताता है हमें टाइम और उसकी स्टेट, मतलब उसको करने की किस स्टेट में हुआ है, क्या वो वर्क अभी हो रहा है, वो वर्क डेली होता है या जस्ट अभी फिनिश हुआ है, कितने टाइम से वो हो रहा है। यानी प्रेजेंट में भी क्या 4 टाइप्स की स्टेट आपकी आ जाती है, सेम इसी तरह से पास्ट में आती है और सेम इसी तरह से फ्यूचर में आती है। तो टेंस केवल टाइम से डिस्क्राइब नहीं हो सकता, जैसा कि हम समझते हैं। अगर टाइम से टेंस डिस्क्राइब हो जाता ना केवल, तो केवल टेंस के 3 टाइप्स ही होते, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन नहीं, इंग्लिश ग्रामर में तो 3 टाइप्स नहीं है। आया समझ में, टाइम एंड स्टेट। अच्छा, अब इस बेस पर मैं टेंसेस को लिखती हूँ। सबसे पहले मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ, कैसे डिवाइस हुए, तो इसी बेस पर मैं टेंसेस को लेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट एक टाइम के बेस पर टेंस का एक पार्ट हो गया प्रेजेंट, लेकिन उस टाइम को भी हमने 4 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, और आप फिर मुझे बताना कमेंट करके, क्या इस 4 स्टेट्स के अलावा भी आपको कोई स्टेट्स पता चलती है? बिल्कुल भी नहीं, वरना हमारे और टाइप के टेंसेस हो जाते इंग्लिश ग्रामर में। इन्हीं 4 स्टेट्स
और इन्हीं थ्री टाइम से मिलकर हमारे 12 टेंसेस बनते हैं। आइए हम खुद ही पहले 12 टेंसेस बनाते हैं, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि देयर आर 12 टाइप ऑफ टेंसेस। इसमें हम देखते हैं कि कैसे, व्हाई देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस, हाउ देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेट मैंने लिखी है परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट में मैंने लिखा है कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि टाइम की ऐसी स्टेट जिसमें काम पूरी तरह से हो चुका होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना बना चुकी हूँ, जस्ट लेट्स कम, लेट्स ईट, मैंने खाना बना लिया है, चलो खाते हैं खाना। यानी कि इसमें जस्ट अभी वर्क कंप्लीट पूरा होने की मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई है, मेरा वर्क फिनिश हुआ है, इनकम्प्लीट नहीं है। ऐसे टेंस को हम रखते हैं परफेक्ट स्टेट में। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस स्टेट। कंटिन्यूअस में मैंने यहाँ क्या लिखा, इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क। कैसे, जैसे कंटिन्यूअस मतलब जिसमें आईएनजी लग जाता है। इस समय मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैं कब तक टीचिंग करूंगी, मेरा वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा वर्क क्या कम चल रहा है, माई वर्क इज गोइंग ऑन बट नॉट कंप्लीटेड, इट इज इनकम्प्लीटेड। वो कब तक चलेगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस मैंने करेंट अपनी जो स्टेट है वो बता दी है कि करंटली मैं इस समय क्या कर रही हूं। तो ऐसे को हम रखते हैं कंटिन्यूअस स्टेट में। इसके बाद आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें परफेक्ट भी आ गया, इसमें कंटिन्यूअस भी आ गया, ये कौन सी स्टेट है, ये स्टेट तो ऐसा लग रहा है कि बना दी गई है, आज तक कुछ पार्ट इसमें से ले लिया, कुछ पार्ट इसमें से ले लिया, तभी तो मैंने यहाँ लिखा है इसका लेके कंप्लीटेड भी हो गया और इसका लगा दिया यहाँ इनकम्प्लीटेड भी हो गया, यानी आधा काम हो गया आधा नहीं। अच्छा वैसा कैसे हो जाएगा, देखिए मैं इसका भी एग्जांपल देती हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आई एम टीचिंग यू, अगर मैं इसको बोल दूं आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, यानी कि मैंने इसमें वर्क फिनिश होने के टाइम नहीं दिया है, स्टार्टिंग टाइम दिया है, मतलब काम कब से चल रहा है, कितना टाइम उसको हो गया। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप समझ जाएंगे 2 घंटे से मेरा वर्क स्टार्ट हुए, 2 आवर्स हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका 2 आवर्स का वर्क, यानी मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने जितने से काम चल रहा है और अब तक उस वर्क के कंप्लीट होने की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसलिए मैंने यह लिखा है पार्टली कंप्लीटेड, लेकिन अभी भी मेरा माय वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, मैं अभी भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ और अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो ये पार्टली क्या हो गया, इनकम्प्लीटेड, क्योंकि कब तक मेरा काम चलेगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं दी है। तो ये चीज हो गई इसमें कंटिन्यूटी, मेरा वर्क चल रहा है, इसलिए से बोलते हैं कंटिन्यूस भी बोलते हैं। और परफेक्ट, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा अपना जो फिनिश वाला टाइम है वो दे दिया, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, यानी जब से अब तक 2 आवर्स हो गए उतना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उतना पार्ट तो मैंने कवर कर लिया अपने टाइम का, अब कितना मैं पढ़ाऊंगी वो मेरा कंटिन्यू। तो इसलिए ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं पार्टली कंप्लीटेड, पार्टली इनकम्प्लीटेड। अब नेक्स्ट आती है इनडेफिनेट। अच्छा इनडेफिनेट तो आप लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेट वर्ड्स आपने पढ़ा है, जो निश्चित हो, मैं डेफिनेटली ही ये काम करूंगी, और इनडेफिनेट क्या हो गया, उसका अपोजिट। अब इसमें कैसे हो गया ये अपोजिट, ऐसे कैसे फॉर्म आ गई, देखते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है, नीदर कंप्लीटेड नॉर इनकम्प्लीटेड, ना तो वो कंप्लीट है ना वो इनकम्प्लीट है, ये कैसे हो गया भाई, ये हमारी समझ आ गया, पार्टली कंप्लीटेड पार्टली इनकम्प्लीटेड, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे टेंस जिसमें हमें पता ही नहीं चलता है क्या हमारा काम कंप्लीट होता है या नहीं। कैसे, आई डेली वेकअप 6 AM, आई डेली वेकअप एट 6 AM या आई डेली वेकअप इन द मॉर्निंग, तो ये मेरा काम मैं डेली कंप्लीट कर, डेली मेरा रूटीन है, मैं अपना रूटीन आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल में भी बात करूंगी धीरे धीरे, रूटीन हैबिट्स ये किस टेंस में आती है, अभी जस्ट आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है कि 12 टाइप के टेंसेस हुए तो हुए कैसे, हम तो सिर्फ 3 मान रहे थे ना, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, इसके अलावा कैसे जरूरत पड़ गई, अभी सब मैं आपको ये बता रही हूँ। अच्छा तो मैं क्या बात कर रही थी, आई वेकअप डेली इन द मॉर्निंग या आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अच्छा तो ये वर्क मेरा सिर्फ एक बार का तो है नहीं कि कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई हो गया कंप्लीट, आपको भी दोबारा सोचा जाएगा, ये तो मैं डेली कर रही हूँ, तो उसमें मैं ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कंप्लीट हुआ या नहीं, मैं डेली, और ये भी नहीं कह सकती इनकम्प्लीट हुआ क्योंकि मैं अपना ओपनिंग का काम तो डेली कर रही हूँ। तो देखा आपने, नीदर कंप्लीटेड नॉट इनकम्प्लीटेड,
कैसे मैंने फोर स्टेट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। देखिए एक बार फिर से रिवीजन करिए। सबसे पहले हम बात कर रहे थे टेंस की। टेंस विच डिस्क्राइब्स द टाइम ऑफ डूइंग वर्क और एनी एक्शन, जो डिस्क्राइब करता है कोई भी काम कब हुआ है। अच्छा, इस बेस पर तो फिर हमारा दिमाग पहुंचा टाइम पर। टाइम कितने पार्ट पर डिवाइड हो गया, अभी हमारा जो चल रहा है प्रेजेंट अभी, और इससे हम पीछे गए जो हम कर चुके हैं पास्ट, और जो हम आगे करेंगे फ्यूचर। लेकिन क्या इसी पर ही डिवाइड है? तो मैंने आपको एग्जांपल दे देके बताया, नहीं। टाइम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको मैंने नाम दे दिया स्टेट। टाइम भी कई स्टेट में डिवाइड हो सकता है, और जैसे कि मैंने बताया फोर स्टेट में डिवाइड होता है, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट। इसका मैंने पूरा डिटेल बताया कि कैसे क्या क्या होता है। अच्छा, अब इसी फोर स्टेट्स में हर टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी पास्ट की भी ये फोर स्टेट्स होंगी, प्रेजेंट की भी ये फोर स्टेट होंगी, फ्यूचर की भी ये फोर स्टेट होंगी। तो आप यहाँ देखिए कितने टाइप के टेंसेस हो गए। थ्री हमने टाइम डिवाइड कर लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि थ्री टाइम्स, ठीक है। और कितने पार्ट में डिवाइड करा? फोर स्टेट्स। हर टाइम को हमने डिवाइड करा है फोर स्टेट्स में, यानी कि कितने टाइप के टेंसेस बन गए आपके? 12 टाइप्स के टेंसेस हो गए। 3 × 4 = 12, यानी 3 टाइम्स को उसकी 4 स्टेट्स में डिवाइड करके हम करते हैं 12 टेंसेस। इसके अलावा भी कोई स्टेट नहीं, कोई भी आप सेंटेंस लिख लीजिए, इन 4 से ही वो मैच करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिखकर भेजिए, मेरे को कमेंट करिए, या मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊंगी कौन सा किस स्टेट से शो होता है। तो इस टाइप के आपके हो गए 12। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट पे हम सबसे पहले बात करेंगे। 3 टाइप्स के इंडेफिनिट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबका हम यही सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भी इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट के मैं आपको तीनों पढ़ाऊंगी, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे फर्स्ट टेंस बहुत ही अच्छे से आप सुनिए, बहुत ही अच्छे से लर्न कीजिए, पढ़िए प्रेजेंट इंडेफिनिट, उससे ही आप सारे टेंसेस बना लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सबके लिए सेम ही होगा। जिसमें सब्जेक्ट पहले आना है जिस सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट पहले ही आएगा 12 टेंसेस में। जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आनी है, हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, ये देखते हैं, ये मैटर करता है। इंडेफिनिट में सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज, लेकिन कब इनका यूज होगा, कब डू का यूज होगा, कब डज का यूज होगा, या कभी ऐसा भी होगा दोनों का यूज ना हो, ये मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगी अभी, बस इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। डू और डज, डू और डज, और मेन वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म रहती है, या इसमें एस या ईएस लग जाता है, कभी कभी फर्स्ट फॉर्म रहती है, कभी कभी एस ईएस, तो ये आपको पूरा डिटेल में जानने को मिलेगा। इसके बाद इसमें आता है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट में डू डस की जगह बस एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है डिड, और इसमें फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होती है, या कभी कभी इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तब फर्स्ट फॉर्म। ये भी आपको पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी। और इसमें विल यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, सबसे सीधा टेंस, और फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई झंझट ही नहीं है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, हमेशा विल, सबसे सीधा टेंस इंडेफिनिट का, ठीक है। अब बात करते हैं कंटीन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, आर, एम, तीन तीन, थ्री थ्री, ठीक है, इज, आर, एम। और कंटीन्यूअस की पहचान, जब भी कंटीन्यूअस आए, आईएनजी, आईएनजी जहां भी लगाओ, ये भी मत देखो आईएनजी जहां भी लगाओ और आपसे टेंस पहचानने को बोला जाए, वो कंटीन्यूअस ही होगा। अब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये आप देखेंगे। वॉज, वर, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और इसमें आईएनजी, कंटिन्यू मतलब आईएनजी, कोई भी फॉर्म नहीं, आईएनजी। और अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो बिल भी कुछ भी नहीं, बस इसके आगे बी लग जाएगा, इसमें सब में बिल ही रहेगा, उसके आगे चेंज हो जाएगा, बिल भी, और इसमें भी आईएनजी, इसमें फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड इसमें नहीं, बस इंडेफिनिट में इसका चक्कर होता है। परफेक्ट में भी मेन वर्ब में हम परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, सब में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैज या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या है, और प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैं देखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ आईएनजी चिपक गया था ना, ऐसे यहाँ बी3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में फिर से विल है, ये हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए हैज बीन, फिर से इसमें कंटिन्यूअस की बात हो गई तो आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, क्योंकि इसमें परफेक्ट भी आ गया ना, तो परफेक्ट का जो है हमने मिक्स कर दिया, परफेक्ट के उसमें हमने बीन और लगा दिया है, फिर आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसके आगे फिर बीन लगा देंगे, आईएनजी। तो ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ठीक है। ये पूरे 12 टाइप्स के टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके अलावा सब में ये चेंजेस हो गए। फर्स्ट टेंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इस टेंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन टेंस इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करने से पहले आपको बताऊंगी आप पहचानोगे कैसे, दोनों में ही, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। हिंदी में सबसे पहले हम देखते हैं इस सेंटेंस के लास्ट में ता हूं, ते है, ती है, ते है, ती हूं, ता हूं, ये सब लगता है। जैसे कि वे हॉकी खेलते हैं, मैं अपना काम करती हूं, ती हूं, खेलते हैं, ते हैं, वे बाजार जाते हैं, ते हैं, मैं खाना खाता हूं, ता हूं। तो यहां भी लास्ट में ता, ते, ती और उसके बाद हा, हू है, ये लग जा है, तो वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। और देखते हैं कैसे इसको इंग्लिश में करते हैं और इंग्लिश में आप कैसे पहचानते हैं। लेकिन उससे पहले सेंटेंस फॉर्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑन द सेंटेंस फॉर्मेशन के बेस पर 3 टाइप के सेंटेंसेस डिवाइड करते हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में, ठीक है। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी 2 टाइप के इंटरोगेटिव होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, ये क्या होते हैं देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अफर्मेटिव, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ना तो कुछ भी क्वेश्चन होता, कुछ भी नहीं, सिंपल हम अपनी बात कहते हैं, मैं ये काम करता हूं। लेकिन उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले आप एक चीज और देखिए, ये सेंटेंस यूज कहाँ है, टेंसेस का कुछ यूज होगा तभी तो टेंसेस हम यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होता है इंडेफिनिट टेंसेस का लाइफ में, कंटिन्यूअस टेंसेस का, इन दोनों टेंसेस का, परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं वो थोड़े कम यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूज होता है जब हम कोई फैक्ट्स बताते हैं या अपनी कोई आदत बताते हैं, जैसे मैं डेली सुबह उठती हूँ, तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ, अपनी हैबिट बता रही हूँ, इस टाइप से यूज करते हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो ये मैंने अपना एक हैबिट बता दी, मेरी हैबिट है कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, और यूनिवर्सल फैक्ट्स कैसे होते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ये एक फैक्ट है जिसको कभी चेंज नहीं कर सकते, कभी वेस्ट से नहीं आएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट, ना इसे कभी पास्ट में बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो हमारी लाइफ में परमानेंट होती है, जैसे कि हमारा प्लेस ऑफ लिविंग, हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, ये हमारा परमानेंट है, चाहे हम कहीं भी घूमने जाए 1 वीक के लिए, 15 डेज के लिए, लेकिन हम क्या बोलेंगे, वी लिव इन इंडिया, तो इस पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, हम इंडिया में रहते हैं। अगर हम 1 मंथ के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, ठीक है, या कहीं कंट्री से बाहर घूमने गए हैं और कोई हमसे पूछता है वेयर डू यू लिव, तो हम ये नहीं कह सकते आई एम लिविंग इन इंडिया इज रॉन्ग, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इंडिया के वो नहीं हो, सिटीजन नहीं हो, आप तो बस रह रहे हो इधर, परमानेंट नहीं हो, तो आपको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, आई लिव इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, इसका मतलब वो डायरेक्टली समझ जाएगा आप इंडियन हो। तो जब परमानेंट सिचुएशन आती है वहां पर हम यूज करते हैं इंडेफिनेट टेंसेस का, तो हैबिट में, परमानेंट सिचुएशन में, यूनिवर्सल फैक्ट्स में, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो उससे कम नहीं होगा ना, उससे ज्यादा होगा, साइंटिफिकली प्रूफ्ड है, तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया।
इस यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि कभी पास्ट में भी नहीं हो सकते। तो स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अब मैंने यहां लिखा है यहाँ तो मेन वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगा एस या ईएस आ जाएगा, और कब आएगा, कभी आएगा भी कभी नहीं भी आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा ये से मैं क्यों कह रही हूँ, फर्स्ट टेंस ध्यान से समझिए, आपको सारे टेंस बहुत इजी लगेंगे, बल्कि बस उनकी हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी पड़ेगी कौन सी लगती है और उनकी मेन वर्ब में क्या चेंज होता है, ये बस लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो सब में सेम ही रहेगा ना, स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा। अगर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है तो सब्जेक्ट ही पहले आएगा, कोई भी टेंस उठा लो किसी में ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ जाएगा। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है जो कि 12 टेंसेस में यूज होगा। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए फर्स्ट टेंस आपका, इससे आप खुद ही सारे टेंस थोड़ा थोड़ा करने लग जाओगे। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या यस ऑब्जेक्ट। अच्छा जैसे सीता एक गाना गाती है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है और सिंग में एस या ईएस, तो एस सही रहता है सिंग्स के साथ, हमने लगा दिया, और गाना गाती है सॉन्ग, ये हमारा हो गया। हम हॉकी खेलते हैं, हम वी हमने ये लगा दिया, अब प्ले हॉकी वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन इसमें हमने प्लेस नहीं लगाया, ऐसा क्यों हो गया, एस या ईएस मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई वी दे यू, इन सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप डू डस का ध्यान मत दीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब जो है नेगेटिव से स्टार्ट होंगी। एक और खास बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो होते हैं वो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, उसको हाइड कर लेते हैं और वो नेगेटिव से अपनी हेल्पिंग वर्ब को शो करते हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पे, बाकी सारे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शुरुआत से ही होंगी। तो आपको केवल ये लर्न करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव में, ठीक है। ही शी इट, इसके साथ हम ऐसे या यस लगाते हैं, यानी प्लूरल के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है सब्जेक्ट और यहाँ पर प्लूरल है। अच्छा अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, मैंने नेगेटिव से क्या बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब हाइट जो होती है वो आ जाती है सामने, सब्जेक्ट प्लस, अब डज या डू ये हम देखेंगे, देखते हैं, नॉट हेल्प मेन वर्ब। अच्छा हेल्पिंग वर्ब के आते ही वर्ब की फॉर्म में हम कोई भी चेंज नहीं करते, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये आपको आगे पास्ट इंडेफिनिट में भी यूज में आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेम इसमें अगर प्लूरल है, एक्सेप्ट आई, अगर प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, डू, जहां हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, और अगर ये सिंगुलर है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डस। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, जहां पर हम ऐसे या यस यूज कर रहे थे ना अफर्मेटिव में, वहां ऐसे या यस ट्रांसफर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब को डस और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। मैं अपना पार्ट याद नहीं करता हूं, आए इसके बाद मैंने क्या लिखा है, डज नॉट या डू नॉट, तो आए एक्सेप्ट आई, आई के साथ हमेशा डू यूज होता है, डू नॉट लर्न माई लेसन, ये हो गया। अच्छा आप इसमें भी चेंज करके देखें, अगर मैं यहाँ लिख देती हम हॉकी नहीं खेलते हैं तो ये क्या हो जाता, यहाँ पर आ जाता वी, अब डज नॉट या डू नॉट, प्लूरल है, वी डू नॉट प्ले हॉकी, सीता एक गाना नहीं गाती है, सीता डज नॉट, ठीक है, और सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डज ने ले लिया, ऐसे यस तो एक ही बार यूज होता है। बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इनकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ये इसकी हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस को यस और नो टाइप सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम केवल यस और नो में देकर भी कर सकते हैं, जैसे कि क्या वह किताब पढ़ता है, अगर वो बोल देगा हाँ तो मैं समझ जाऊंगी, मुझे पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ वह किताब पढ़ता है, इसलिए इनको इंटरोगेटिव बोलते हैं, यानी यस और नो टाइप सेंटेंसेस, सिंगल इंटरोगेटिव। और जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड लगता है, वो क्या से स्टार्ट नहीं होते, जैसे बीच में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, वह स्कूल कब जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या रूल है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, अब डू लगेगा या डज, ये तो आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब
मैं फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका सेम रहा। तो देखिए क्या है, किताब पढ़ता है। अब सबसे पहले ये सिंगुलर है तो डज लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद रीड, इसके बाद अब बुक हो गया। एक और देखते हैं क्या वे या कार्य करते हैं। सबसे पहले डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वे क्या है या सब्जेक्ट प्लूरल, तो डू। इसके बाद वे मतलब दे, कार्य करने की वर्क, और यहाँ की ये डू दे वर्क हियर, हो गया सिंपल। अच्छा अगर मैं इसमें नेगेटिव भी कर दूं, क्या वे किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है मैं ये भी तो बोल सकती हूँ नहीं की कर दूं, तो नॉट कहाँ लगेगा सब्जेक्ट के बाद। इंटरोगेटिव में अगर हमारा नेगेटिव भी आ जाता है तो हमेशा नॉट लगाती है सब्जेक्ट के बाद। ये पूरे 12 टेंसेस में सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होगा। स्ट्रक्चर में अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो पूरे 12 टेंसेस के जो भी सिंगल इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर होंगे वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे। मैं यहाँ पर ये डिटेल में बता रही हूँ, आगे आप खुद ही करेंगे ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और मेन वर्ब में ही चेंज होता है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर रिमेन सेम इन एनी टाइम्स। क्या वे यह कार्य नहीं करते हैं, अब मैंने यहाँ भी नहीं लगा दिया, यहाँ कार्य या फिर यहाँ पर नहीं लगा दिया, कार्य नहीं करते हैं, तो डू दे नॉट, फिर से सब्जेक्ट के बाद। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नॉट इधर मत लगा देना, डू नॉट डज नॉट नेगेटिव में एक साथ लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट के बाद लगता है। अच्छा अब बात कर लेते हैं डबल इंटरोगेटिव, हम इनको बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है। आप इसके स्ट्रक्चर और इसमें मैच करके देखिए बस क्या चीज का डिफरेंस है, यहाँ पर बस एक क्वेश्चन वर्ड एड हो गया है। इसके अलावा देखिए डू डज सेम, सब्जेक्ट सेम, फर्स्ट फॉर्म सेम, ऑब्जेक्ट सेम, तो ये बड़ा जो लग रहा है कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले लग जाएगा। जैसे वह स्कूल कब जाता है, तो वह की कब, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब, व्हेन, इसके बाद सिंपल डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है, तो वह क्या है सिंगुलर, डज ही गो टू स्कूल, बिल्कुल सिंपल आपके हो गए। और इसमें भी अगर हमें नॉट लगाना है, स्कूल कब नहीं जाता है, तो कहाँ लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट के बाद। ध्यान रखना इंटरोगेटिव में नेगेटिव यूज होता है तो नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाना है, जब तक कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो गायब ना हो। स्किप कर सकते हैं हम, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए चलना है। सेकंड टेंस, अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट जस्ट पढ़ा था, तो देखिए उससे ही मैच करता जुड़ता है, बस हेल्पिंग वर्ब में चेंज होगा और मेन वर्ब में चेंज होगा, जैसे कि मैंने बताया हमेशा वर्ब में ही चेंज होता है। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, ता थे ती थी, उसमें ते है ता है, ठीक है, और इसमें लास्ट में आ ई है। जैसे मैं कल बाजार गई, ई, मैं इस स्कूल में पढ़ती थी, मैं इस घर में रहती थी, ती थी, उसने यह काम किया, आ, इस टाइप से लास्ट में यूज होता है, आ ई है या ती थी ते थे, सबसे इजी जो पहचान होती है। तो अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, तो देखते हैं इसका अफर्मेटिव आप कंपेयर करते हैं, उससे आप लोग खुद बनाइए। सब्जेक्ट उसमें भी यही होता था, और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आई है, उसमें फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, देखते थे, अच्छा इसमें सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत ही नहीं है, ये उससे ज्यादा इजी हो गया, क्योंकि उसमें ऐसे आई है लगाते थे या फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं, बस अफर्मेटिव में सब में चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो। और ऑब्जेक्ट, मैं इस स्कूल में पढ़ती थी, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद सेकंड फॉर्म स्टडी होता है, स्कूल में पढ़ने के लिए स्टडी हम यूज करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टडी। इसमें मैं जानती हूँ आपको थोड़ी सेकंड फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म बिल्कुल चेंज करनी है आपको पता होनी चाहिए, तो मैं इससे पहले वीडियोस बना चुकी हूँ वर्ब्स के ऊपर, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स के ऊपर, ठीक है। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई स्टडी इन दिस स्कूल, हो गया, ठीक है। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसने की शी, ठीक है, उसने हमें पता नहीं है तो हम ही शी कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ब, मेन वर्ब, पत्र लिखना यानी लिखना मेन वर्ब हो गई, राइट, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट, इरेगुलर वर्ब, शी रोट अ एक पत्र, अ लेटर, बस
इतना उसने एक पत्र लिखा, लेकिन ये हमें बड़ा लग रहा था बस टू वर्ड फादर, जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का बाद में लगा दिया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही सब में चल रहा है। अच्छा अगर अब नेगेटिव आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नेगेटिव से हेल्पिंग ऑफ जो हाइड रहती थी अफर्मेटिव में शो हो जाती थी, डज या डू नॉट, और उसमें हम देखते थे डज या डू कब लगेगा, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। सब्जेक्ट डिड नॉट, जैसे कि वहां डज या डू नॉट लगता था, और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, जैसे उसमें वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, केवल अफर्मेटिव में ही हम देखते थे ऐसे यस ऐसी इसमें। और ऑब्जेक्ट, वह कल हॉकी नहीं खेला, अच्छा वह ठीक है ही, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा है डिड नॉट, डिड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी, और कल की यस्टरडे, टुमारो मत लगा देना, पास मतलब बीते हुए कल की बात करते हैं ना, तो यस्टरडे का मतलब होता है। बात करते हैं पास इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के बारे में, देखिए बिल्कुल कंपेयर करते जाइए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से, अभी भी पढ़ा है बस डू या डस की जगह डिड लगेगा यहाँ पर, और ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ तो सिंगुलर प्लूरल देखना भी नहीं है। डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसमें बस डज होता था, इसलिए मैंने कहा था एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर या लर्न अच्छे से बिल्कुल देखिए समझिए लर्न कीजिए, तो आप सारे स्ट्रक्चर खुद ही फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव और सब में सेम ही स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सिंगल इंटरोगेटिव है तो इसमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो कोई सारे सिंगल इंटरोगेटिव आप किसी भी टेंस का उठा लीजिए, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, क्या तुम इस घर में रहते थे, तो सबसे पहले डिड ये हमने लगा लिया, इसके बाद इसमें क्या लिख रहा है सब्जेक्ट, ठीक है तुम हो गया सब्जेक्ट यू, ठीक है इसके बाद लिख रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना हो गया फर्स्ट फॉर्म लिव, डिड यू लिव, यहां तक हमारा बहुत अच्छे से बन गया। अब बचा हुआ पार्ट इस घर में, इन दिस हाउस, डिड यू लिव इन दिस हाउस, क्या तुम इस घर में रहते थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिन से डबल इंटरोगेटिव, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है, जैसे कल कहां, तो ये कहां क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड वह कुछ भी नहीं है, क्या लग जाता है बस डिड के आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी देखिए पूरा सेम। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर, अब इसके बाद डिड, ठीक है यहां तक हमारा लग गया बिना देखे। अब इसके बाद आ जाइए सब्जेक्ट पर, तुम्हारा भाई पूरा सब्जेक्ट है योर ब्रदर, इसके बाद कहां गया, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो यस्टरडे, ये हो गया। अच्छा अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा दे तो नेगेटिव कहां लगेगा नॉट, सब्जेक्ट के बाद, इस चीज पर बिल्कुल फोकस कीजिए, ऐसे मत लगा देना डिड नॉट यू, कंप्लीटली रॉन्ग। क्या तुम इस घर में रहते थे, क्या तुम इस घर में नहीं रहते थे, तो मैं क्या लिखूं डिड यू नॉट, तुम्हारा भाई कल कहां नहीं गया था, वेयर डिड योर ब्रदर नॉट, इस टाइप से। अब बात करते हैं थर्ड टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल फ्यूचर, आपकी चॉइस, आपसे कुछ भी बोल सकते हैं, इधर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये बहुत ही सीधा साधा सा टेंसेस होता है, इसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब हाइड नहीं रहती, अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम कोई भी सेंटेंस ले ले सब में विल का यूज होता है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म भी हमारी यूज होती है, जैसे गा, और इसकी पहचान क्या होती है पहले देख लेते हैं, गागी गे, अब ये गागी गे क्या है, मैं यह काम करूंगी, हम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वी विल सब्सक्राइब दिस चैनल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, देखिए इस टाइप से गागी गे फ्यूचर की ये पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा होगी इस टाइप से लगता है, देखते हैं। अब वही मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कितने टाइप के सेंटेंसेस, अब तक तो आपको लर्न भी हो गए होंगे, तो इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ना तो उसमें फर्स्ट फॉर्म चेंज करने की जरूरत है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी मेन वर्ब की, और इसमें हमेशा विल लगेगा, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, मैं उसको कल मिलूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है विल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म मीट और हिम टुमारो ऑब्जेक्ट है ना, और इसमें कल की यस्टरडे मत लगा देना, कल मतलब टुमारो है फ्यूचर में, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या लग रहा है गा, अब इसके पास नेगेटिव अगर हम इसमें कर ले तो बिल के बाद केवल नॉट लग जाएगा, इसमें तो ये भी नहीं है चक्कर की अब हाइड हुई वर्ब सामने आएगी, विल के बाद केवल नॉट लग जाएगा, सेम रहेगा, हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, सब्जेक्ट विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल टुडे ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की, इंटरोगेटिव यानी सिंगल इंटरोगेटिव की हम पहले बात करेंगे, किससे स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब क्या है विल, तो विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट,
क्या वे आम खाएंगे, तो इसके बाद क्या विल, ठीक है, इसमें क्या मतलब वॉट वाला नहीं होता, विल, इसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद खाएंगे ईट मैंगोस। अच्छा अगर हम इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो मतलब क्वेश्चन वर्ड वाले डबल इंटरोगेटिव कुछ नहीं, इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देख ये विल सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हमने यहीं से कॉपी कर लिया है, केवल आगे हमने इसमें क्या लगा दिया है क्वेश्चन वर्ड। हम कल कहाँ जाएंगे, तो कहाँ की होगी इसमें वेयर, इसके बाद सेम विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म बचा हुआ पार्ट टुमारो। तो ये हो गया आपके टेंसेस को खत्म करते हुए, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंसेस को खत्म करते हुए हम आ पहुंचे हैं कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। इसमें भी हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटीन्यूअस मतलब वर्ब की फॉर्म में आप रट लीजिए, मेन वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, अब तक तो आपको स्ट्रक्चर लर्न भी हो गए होंगे। अफर्मेटिव के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले लेकिन हम देखते हैं इसकी लेकिन पहचान क्या होती है हिंदी में। रहा हूँ, रहे है, रही है, मैं यह काम कर रही हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं कुकिंग कर रही हूँ, इस टाइप से इसमें रही हूँ जहाँ पीछे लग जाए वहां कंटिन्यूटी होती है। जहाँ करंट पॉइंट की हम केवल बात करते हैं, करंट टाइम की, इस टाइम क्या हो रहा है, इससे आगे पीछे का हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसमें सब्जेक्ट इज आर एम, ये आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिखा है आई के साथ यूज होता है, एम सिंगुलर में लगता है इज, और प्लूरल में लगता है आर, यानी वी दे यूज के साथ आर ही शीट या कोई नेम हो उसके साथ लगेगा इज। मैं खाना पका रही हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट अफर्मेटिव, अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आई, आई के साथ लगेगा एम और आई एन जी लग जाएगा इसमें मेन वर्ब में। द फूड, आई एम कुकिंग द फूड, वे बाजार जा रहे हैं तो उसका आप खुद बनाइए, सब्जेक्ट दे। फिर इसके बाद हम क्या लगाते हैं, दे के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है तो आर। इसके बाद फॉर्म पर आ जाइए, जाने की होती है गो, गो में लग जाएगा आई एन जी गोइंग, दे आर गोइंग टू मार्केट, वह गाना गा रही है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा अगर इसमें नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, बस इज आर एम के आगे नॉट आ जाएगा, सिंपल। मैंने आपको इज आर एम तीनों का यूज करके बताया, इसलिए मैंने यहाँ थ्री सेंटेंसेस लिए हैं। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें केवल ये लग जाएगा, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, एम के बाद लग गया नॉट, बस इज आर एम के बाद नॉट लगा दी। इंटरोगेटिव की बात करते हैं, अब तक आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे इसका भी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इजारम देखना है, लड़कियां क्या है, गर्ल्स, गर्ल्स यानी प्लूरल तो आर लगेगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट आर द गर्ल्स, इसके बाद आईएनजी फॉर्म में देखकर रीडिंग इन द रूम, सिंपल। अब इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो, अब इसमें हमने डबल इंटरोगेटिव की बात कर दी, कहाँ की वेयर, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ आर, इसके बाद सब्जेक्ट यू और इसके बाद गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अच्छा अगर हम इसमें नेगेटिव भी ले लें तो क्या लड़कियां कमरे में नहीं पढ़ रही, अगर मैं इसमें नहीं लगा दूं आर द गर्ल्स तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का लगेगा, सब्जेक्ट के बाद तुम कहाँ नहीं जा रहे हो तो वेयर आर यू नॉट गोइंग। तो इस तरह से आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस फिनिश हो गए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिनिश होता है इज आर एम। अब बस इज आर एम की जगह लग जाएगा वॉज वर्ब, और जहां पर आप पहचान देते रहा है, रही है, रहे हैं, वहां पर अब हो जाएगा रहा थे, रही थे, रहे थे, क्योंकि था की थे पहचान होती है पास्ट की, और हा है वर्ड जहां लगता है वो पहचान होती है प्रेजेंट की, और गागी के जहां लगता है वो पहचान होती है फ्यूचर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, अब तक तो आपको लर्न भी हो गया होगा, अफर्मेटिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर सेम रहता है, और इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाता है अगर क्वेश्चन वर्ड है तो। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वॉज वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए वह बाजार जा रहा था। अच्छा अब सिंगुलर प्लूरल का यहाँ बड़ा चक्कर है, जैसे इज आर एम में था आई ही शी इट के साथ वॉज, यू वी दे के साथ वर, सिंपल सी बात, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। वह बाजार जा रहा था, ही क्या है सिंगुलर, इसके बाद आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब वॉज, खुद बनाइए गोइंग टू मार्केट। अच्छा अगर हम इस पर नेगेटिव लगाए, नेगेटिव बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट,
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यह लड़की क्लास में शोर नहीं मचा रही थी, तो यह लड़की की हो गई दिस गर्ल। दिस गर्ल के बाद हो गया वॉस, ठीक है। यह लड़की केवल एक है, नॉट, और शोर मचाने की हो गई मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अच्छा, अब इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से, यानी वॉस या वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए बिल्कुल सेम होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बट आगे हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगती थी वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे चली जाती है, बिल्कुल सेम होता है। क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही थी? तो क्या, सबसे पहले लड़कियां क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा आपको देखना है सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट द गर्ल्स, इसके बाद पढ़ रही थी रीडिंग, ठीक है। ing, ये तो आप गांठ मान लीजिए कंटिन्यूअस में। इन द रूम, अच्छा अब क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए, वह कमरे में क्या कर रहा था। अच्छा ये क्या में और ये वाला क्या में, मैंने जानबूझ के लिया, डिफरेंस है। ये वाला क्या हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, बल्कि ये वाला जो क्या है जो बीच में लगता है वो व्हाट वाला है। व्हाट, क्या, वह कमरे में क्या कर रहा था, एक डिफरेंस। देखो आप, पूरा इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव को पूरा हमने कॉपी कर दिया है, ये बस हटा लो, पूरा यही चीज होगा, बस आगे क्या लगा देना है, व्हाट। व्हाट, अब वह क्या है, सिंगुलर। वॉज ही डूइंग इन द रूम, व्हाट वॉज ही डूइंग इन द रूम। तो इधर आपके ये होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान रहा तो होगा, लेकिन लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसा कि फ्यूचर में गागी ये लगता है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड्स में होती है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब यहां से स्टार्ट हो गई जो टू वर्ड्स में है, और क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, विल बी, विल बी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, और इससे पहले बात करते हैं इसका कैसे यूज होता है। जब भी हम फ्यूचर में किसी पॉइंट के बारे में सोचते हैं कि तुम इस टाइम, एक पॉइंट, एक करंट टाइम फ्यूचर में क्या कर रही होगी, जैसे आज मेरा एग्जाम है और कल से मैं इस समय खेल रही होंगी, नो एग्जाम, तो इस समय से कल मैं इस समय ट्रैवल कर रही होंगी। तुम इस समय कल क्या कर रहे होगे, फ्री हो क्या, फ्री हो गए क्या, क्या कर रहे होगे, इस टाइप से हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, और इसमें विल होता था फ्यूचर इंडेफिनिट में, और इसमें क्या होता है, विल बी। सब्जेक्ट विल बी आईएनजी, वो तो आपको लगाना है, सोचना ही नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। हम 4 बजे तुम्हारे घर आ रहे होंगे, तो हम वी, ठीक है। इसके बाद वर्ड विल बी कमिंग टू योर होम एट 4 o'clock। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम भी कभी कभी दिया जाता है, ढाई, जैसे 2 o'clock से कल मैं खेल रहा हूँ इस समय 2 o'clock पर, तो 4 o'clock, ठीक, स्पेसिफिक टाइम हमने दे दिया है। अच्छा अगर इसमें नेगेटिव लगाना, अच्छा नेगेटिव कहाँ लगता है, उस पर तो एक ही पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती थी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें कहाँ लगेगा, विल वी नॉट, नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में आ जाएगा, दोनों वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब के वो अलग हो जाएंगे। सब्जेक्ट विल नॉट बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वह कल दिल्ली जा रही होगी, तो शी, ठीक है। इसके बाद आएगी इसमें विल बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अच्छा अब मैं आपके सामने इसमें नेगेटिव करके दिखाऊंगी, वह कल दिल्ली नहीं जा रही होगी, मुझे ये लिखना चाहिए था। तो अब आप खुद बताइए, अब तो आप समझ गए, शी विल नॉट बी, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों के बीच में लगा देना है, विल बी नॉट, ऐसा मत कर देना। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की, विल सब्जेक्ट बी आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब में एक ही पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती थी तो ये होता था, अब लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद बी और आ जाएगा, यानी कि एक पार्ट हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले और एक पार्ट सब्जेक्ट के बाद, तो विल सब्जेक्ट बी आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्या वह बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा होगा, विल। इसके बाद वह बच्चा, डेट चाइल्ड, इसके बाद बी, इसके बाद प्लेइंग विद हिज टॉय, तो ठीक है इसमें ये आ गया, और उसमें बी कहाँ लगा है, सब्जेक्ट के बाद। अच्छा अब इसमें अगर क्वेश्चन वर्ड हो, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन वर्ड तो इससे पहले रहेगा, क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट बी आई एन जी ऑब्जेक्ट,
ये अगर हम हटा दे तो सेम हो गया सिंगल इंटरोगेटिव की जगह क्या, कल तुम इस समय क्या कर रहे होगे, इसमें क्या जो है वो सिंगल वाला क्या नहीं है सिंगल इंटरोगेटिव वाला बल्कि क्वेश्चन वर्ड वाला क्या है, और क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं व्हाट व्हाट। अब इसके बाद सिंपल विल, इसके बाद सब्जेक्ट और इसके बाद लगेगा बी। व्हाट विल बी ऐसे मत कर देना, सब्जेक्ट के बाद लगेगा इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ। व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, लेकिन अगर ये नेगेटिव भी लग जाए तो बड़ा क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेगेटिव हमेशा क्या लगता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद चाहे कुछ भी लगता है, तो अगर नेगेटिव लगाना होगा तो हम कहाँ लगाएंगे नॉट इधर, विल डैट चाइल्ड नॉट बी प्लेइंग विद दिस टॉय, अगर इसमें नेगेटिव लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे व्हाट विल यू नॉट बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो, तो इस टाइप से आपके होगा फ्यूचर कंटिन्यूस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अभी तक आपने 6 टेंस फिनिश कर लिए हैं, टोटल 12 टेंस होते हैं और अब आपके 6 ही बचे हैं, तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसकी पहचान होती है इसके सेंटेंसेस के लास्ट पे चुका है, चुके हैं, ई है, ए है, या है, लगता है, जैसे किया है, मैंने ये काम दिया, किया है, उसने मुझे एक पेन दिया है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इन दो पॉइंट की इसमें मैं बात करूंगी, इसके स्ट्रक्चर से पहले कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट, एक्शन इन पास्ट, इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, यानी पास्ट में एक्शन रहता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में रहता है, कैसे, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था परफेक्ट जो टेंस होते हैं वो फिनिश कर चुके होते हैं अपना काम पास्ट में, लेकिन उनका जो इफेक्ट रहता है वो प्रेजेंट में भी रहता है। जैसे मैं ये काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन दिस वर्क, इसका मतलब मैंने अभी जस्ट ही ये काम किया है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है मैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम ऐसे बोल सकते हैं मैंने खाना खाया, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट परफेक्ट को अगर हम बोलेंगे मैंने खाना खा लिया है, तो जनरली हम मिस्टेक कर जाते हैं, अपोजिट टेंस यूज कर जाते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही ये टेंस आप पढ़िए, इससे आपको ये टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर बताती हूँ, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, जैसे मैंने इसे लिखा है कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट, क्यों लिखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरी चाबी खो गई है, आई हैव लॉस्ट माय कीज, मैंने ये किया, इसका मतलब क्या है वो अभी भी मुझे मिली नहीं है, आई एम स्टिल सर्चिंग माय की, मैं अभी भी अपनी की को ढूंढ रही हूँ, मुझे उसकी जरूरत है। अगर मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में कहती हूँ आई लॉस्ट माय की, इसका मतलब मेरी की मिल चुकी है, वो काम पास्ट में ही हो गया था और उसका इफेक्ट भी पास्ट में था, अब उसका कोई भी इफेक्ट मुझ पर नहीं बताया, बस मैंने जस्ट बताया आई लॉस्ट माय की यस्टरडे, कल मेरी चाबी खो गई, तो मेरी चाबी खो गई, उसका इफेक्ट वो अब मुझे मिल भी गई, उसका इफेक्ट भी तभी खत्म हो गया, लेकिन आई हैव लॉस्ट माय की उसका इफेक्ट अभी भी है, मुझे वो की अभी भी चाहिए, मिली नहीं है, तो ये डिफरेंस होता है मेन, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कनेक्ट प्रेजेंट एंड पास्ट, पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, एक्शन तो हमारा पास्ट में हो गया लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में है, तो उस तरह से वो कनेक्ट करता है। और यहाँ भी मैंने सेम चीज लिखी है एक्शन इन पास्ट इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी कीज का एग्जांपल देकर समझाया। तो आइए बात करते हैं उसको फॉर्म कैसे करते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो हैज और हैव यूज होती है, और परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म का यूज होना, जैसे कंटिन्यूअस का मतलब होता था आईएनजी लगना, आंख बंद करके आईएनजी लगा देते थे, ऐसे जहां भी परफेक्ट टेंस की बात होती है वहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन ये थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म बनाएंगे कैसे, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो पहले ही बना दी है रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स की, आप मेरी उन वीडियो में जरूर जाइए, इसके बाद ही ये टेंस स्टार्ट कीजिए। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने से पहले रेगुलर इरेगुलर सारी ही वर्ब्स आप बना लेंगे और आपको किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, जैसा कि अभी तक आप 6 टेंस में सीख भी चुके होंगे अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कि किसमें क्या स्ट्रक्चर पहले होता है क्या नहीं होता। अफर्मेटिव में सब में सब्जेक्ट ही पहले आता है, नेगेटिव में सब में सब्जेक्ट ही पहले आता है, नॉट लगता है, इसी टाइप से सब में होता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगती है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसकी दो होती हैज या हैव, हैज सिंगुलर के साथ यूज होती है और हैव प्लूरल के साथ यूज होती है, लेकिन सिंगुलर के साथ आई, आई के अलावा आई होता तो सिंगुलर है लेकिन वो हैव यूज करता है,
तो देखते हैं कैसे। मेरी चाबी खो गई, अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई सब्जेक्ट क्या है, आई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, तो आई के साथ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई यू वी दे, इनके साथ यूज होता है हैव, और ही शी इट इनके साथ यूज होता है हैज, और खोने की लॉस्ट माय कीज, सिंपल। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, मैंने यहाँ यही बात लिखी है, सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अपना काम अभी तक नहीं किया है, अपना काम मतलब हम यह सब्जेक्ट लिखना भूल गए, मैं लगा देती हूँ उसने, उसने अपना काम अभी तक नहीं किया, उसने की क्या हो जाएगी, ही, ठीक है, क्लियर नहीं है तो आप ही अशी कोई भी यूज कर सकते हैं। और मैंने क्या पहचान मतलब था, ई है या है, यही मैंने पहचान लिखी थी, वही चीज आ रही है तो चुका है चुके है लगा दो, या ई है या है ए है, इस टाइप से पहचान होती। तो सब्जेक्ट हैज, इसके बाद क्योंकि सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, नॉट का यूज होगा, और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म, कंप्लीट होती है तो कंप्लीटेड, हिज वर्क येट। अच्छा यहाँ पर येट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में एक और मेन डिफरेंस होता है जो कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था, इसमें येट जो काम के ना फिनिश होने को शो करते हैं, येट स्टिल, जैसे द बस हैज नॉट अराइव्ड, द बस हैज नॉट स्टिल अराइव्ड, इस टाइप से हम यूज करते हैं, ये हम पास्ट इंडेफिनिट पे यूज नहीं कर सकते हैं, येट स्टिल रिसेंटली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होते हैं, ये भी एक मेन डिफरेंस होता है। He has not completed his work yet, मैंने अभी तक अपना काम, तो उसके लिए हम yet use करेंगे। अब बात करते हैं interrogative sentences की, तो single interrogative sentences किससे start होते हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा helping verb से, और इसकी helping verb क्या होती है, has या have, has have, उसके बाद subject, इसके बाद main verb, और उसके बाद object, देखते हैं कि example, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, तो सबसे पहले क्या, और सिंगल इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, क्या से, ये व्हाट वाला क्या नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हैव, अब इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद याद करना लर्न्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, योर लेसन, हैव यू लर्न्ड योर लेसन। अच्छा अगर ये नेगेटिव होता, क्या तो अपना पार्ट याद नहीं कर चुके हो, तो एक बात बताइए इंटरोगेटिव में नॉट कहां लगता है, अभी तक आपको लर्न हो जाना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद Have you not learned your lesson? यहाँ पर लग जाएगा not अगर हमें लगाना होगा। तो देखिए एक और example लेते हैं double interrogative का। मैंने इसमें क्या कहा था, क्या से start होते हैं, लेकिन इनके बीच में हमेशा question word होता है, और ये sentences double interrogative जो होते हैं वो question word से ही start होते हैं। तुमने यह किताब क्यों नहीं पढ़ी है, तो क्यों की क्या होती है, why, इसमें बस क्या difference होता है, मैंने इसका अलग से structure इसलिए लिखा, यहाँ पर बस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड, देखिए बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही मैं सेंटेंस फॉर्म करूंगी, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमें ढूंढ के लगाना है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यू, तो क्यू का क्या आ जाएगा, वाई, वाई, इसके बाद देखिए हैज या हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, यू प्लूरल है तो हैव लगेगा, हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद मैंने क्या कहा था, नॉट अगर मैं हो उसके साथ में मैंने नॉट भी दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, रेड दिस बुक, Well, have you not read this? तो इस टाइप से आपके होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक बार फिर से कहूंगी, आप मेरी किसी पुरानी वीडियो में जाइए, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में पहले डिफरेंस देखिए, आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो देखिए क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे कि सेंटेंसेस के लास्ट में इसमें चुका था, चुकी थी, गया था, ये थे, इस टाइप से लगता है, उसमें जैसे है आता था, चुका है, चुकी है, इसमें थे लगता है, जो कि पास्ट की पहचान होती है। अच्छा अब मैंने यहाँ एक और चीज देखी है, पास्ट ऑफ पास्ट, तो मतलब पास्ट परफेक्ट पास्ट होता है, लेकिन कौन सा वाला, पास्ट का भी पास्ट, कैसे, यहाँ पर प्रेजेंट चलता है, प्रेजेंट से हम पीछे जाएंगे तो पास्ट, और पास्ट में भी थोड़ा और पीछे जाएंगे तो वहां पर मिलेगा हमें पास्ट परफेक्ट, यानी कि एक काम पास्ट में हो रहा है और दूसरा काम उससे जो पहले जस्ट हो चुका है उसके भी पास्ट में, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट में जो काम हुआ है उसका भी पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, कैसे हम फॉर्म करते हैं, आई रीच्ड स्टेशन एट 9, मैं बोलना चाह रही हूँ दो बार, मैं 9 o'clock पर स्टेशन पहुंची और ट्रेन आ गई 9:30 पर, दोनों ही मेरे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में है, तो इनमें से कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो देखिए मैं अगर मुझे ये एक ही सेंटेंस में लिखना है, ये दो सेंटेंस
बोलने पड़ रहे हैं, इसको एक ही में बोलना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, यानी कि दोनों एक्शन पास्ट में होते हैं। और कौन सा उसमें पास्ट परफेक्ट होता है, देखिए, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी, मैंने यहाँ पूरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के दो सेंटेंसेस भी लिखे हैं, डोंट वरी। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज करके, इसका बिफोर और आफ्टर को ऐड करके हम दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सकते हैं। मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी ट्रेन आने से पहले, और इसमें जो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस होता है, यानी कि सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है, देखिए, मैं स्टेशन पहुंची और ट्रेन आई, मैंने पास्ट परफेक्ट में भी क्या बताया था, ये होता है पास्ट ऑफ पास्ट, तो उसमें कौन सा काम, ट्रेन आई, ये भी पास्ट में हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी कौन सा पास्ट हो चुका है, मैंने स्टेशन पहुंचने का, तो जो काम पहले हो चुका है हम दोनों ही पास्ट है, और उसमें भी हम देखेंगे पहला काम कौन सा होता है, दूसरा काम कौन सा होता है, यानी फर्स्ट पास्ट सेकंड पास्ट, तो जो पास्ट से भी पहले हुआ है, तो इन दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है, स्टेशन पहुंचने वाला, उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और दूसरे को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ स्ट्रक्चर इसका देखते हैं जो मैंने यहाँ बात कही, ये जस्ट मैंने आपको यूज बताया था कि आखिर पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वही लगता है, सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लग जाएगा, केवल आपको इतना ही अब तक हर टेंस में होता था, लेकिन इसमें और फ्यूचर परफेक्ट में आपका बिफोर और आफ्टर दो सेंटेंस ही एक में बने हुए होंगे, और एक में हम इसमें यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, और एक में हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आप अगर इसको समझ के करोगे तो ये कुछ भी बड़ा नहीं है। दो सेंटेंस में से पहले एक को फॉर्म करो, फिर बिफोर या आफ्टर लगा के आप सेकंड को फॉर्म करो। देखिए, मैंने सेपरेट वीडियो भी पास्ट परफेक्ट में बनाई है, इसमें और भी मैंने डिटेल्स में बताया है, हर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवाइए, तो आप मेरी वो भी वीडियो पास्ट परफेक्ट की तो कम से कम जरूर देखिए, आपको सेंटेंस फॉर्म करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है आप देखिए, सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी, इसमें तो सबसे पहले देखिए वह सोई और उसने अपनी किताब पढ़ी, लेकिन कौन सा वाला काम पहले हो रहा है, सोने का या पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाले को हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और इसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा, अब बिफोर और आफ्टर दो तरह से हम यूज करते हैं, बिफोर वाले में हमेशा पास्ट परफेक्ट पहले लिखा जाता है और इंडेफिनिट बाद में, और आफ्टर वाले में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट पहले लिखा जाता है और परफेक्ट वाला बाद में लिखा जाता है। सोने से पहले अपनी किताब पढ़ चुकी थी, अपनी किताब पढ़ चुकी थी, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे शी, सब में सेम होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है केवल हैड, इसमें कोई भी सिंगुलर प्लुरल देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद थर्ड फॉर्म रेड, हर बुक, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने लगा दिया पहले या तो बिफोर, अब पास्ट इंडेफिनिट क्यों ना, सोने से पहले, सोने से पहले यानी वह, सब्जेक्ट तो वही रहा ना वह, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, क्या होता है सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट शी, और सेकंड फॉर्म आ जाती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, हाइड रहती है अफर्मेटिव में, शी स्लेप्ट। अब देखिए आफ्टर वाला देख लेते हैं, बारिश होने के बाद ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, तो वही बारिश हुई और कॉलेज चले गए, लेकिन सबसे पहले दोनों में से काम कौन सा हुआ था, बारिश होने वाला, यानी ये वाला तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, ये हो गया। और इसमें मैंने बताया था आफ्टर में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला लिखते हैं, तो ये विद्यार्थी कॉलेज चले गए थे, ये वाला पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो दीज स्टूडेंट गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू कॉलेज आफ्टर, इसके बाद बारिश के लिए हम इट यूज करेंगे, ठीक है, आफ्टर इट हैड रेन, बारिश के लिए सब्जेक्ट हम लगाते हैं हमेशा इट, After it had rained, these student went to college after it had rained. अच्छा, अगर मैं इसको नेगेटिव भी यही बता देती हूँ, कुछ नहीं, सेम होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव हो से अफर्मेटिव आप समझ लीजिए चाहे इंटरोगेटिव, सब में सेम ही रूल फॉलो होगा। देखिए कैसे, मैं बस आपके सामने अफर्मेटिव से क्या बना रही हूँ, बस नेगेटिव लिख रही हूँ, ठीक है, बस इसमें नॉट लग जाएगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नॉट कौन से सेंटेंस में लगेगा, केवल एक ही बार नॉट का यूज होगा, दो बार नॉट का यूज नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में नॉट लगेगा, इसमें केवल हेड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, और आफ्टर वाले में भी आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में नॉट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में नॉट आते ही डिड, उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, डिड नॉट, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब फिर जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल वही रूल जो आप पढ़ते हो वही फॉलो होगा। सोने से पहले वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी थी या उसने अपनी किताब नहीं पढ़ी थी, हमने लगा दिया।
तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, शी हैड नॉट, अफर्मेटिव, ध्यान से समझिए, शी हैड नॉट रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट, बारिश होने के बाद यह विद्यार्थी कॉलेज नहीं गए थे। अच्छा अब इसमें चेंज करिए, दीज स्टूडेंट्स वेंट टू कॉलेज आफ्टर अटेंडिंग, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में मत लगाना, मैंने क्या कहा फर्स्ट टाइप जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें लगाना। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है तो सबसे पहले आप सिंपल अफर्मेटिव बना लीजिए, उसके बाद नॉट लगाइए फर्स्ट सेंटेंस में। अफर्मेटिव में आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कौन सा सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, कौन सा मतलब पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट। दीज स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगा और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। These students did not go to college after it had rained. एक ही बार यूज करना है, यहाँ पर मत लगा देना। Interrogative sentences. Interrogative sentences में क्या होता है, सिंगल इंटरोगेटिव की अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें had, वही helping verb पहले लगती है had, उसके बाद subject, verb में third form, before subject third form। देखिए इसका affirmative sentences पहले बनाना सीख लीजिए, इससे आप सारे sentences बना लेंगे। और वही रूल होता है कि present past perfect में कौन सा बनेगा, indefinite में कौन सा बनेगा। ठीक है, अभी before वाला है, क्या आपने मेहमानों के आने से पहले खाना बना लिया था। सब मेहमान आए और खाना बनाना, लेकिन सबसे पहला काम कौन सा हुआ, हुआ खाना बनाने वाला, हम जो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो देखते हैं। अब हेड होती है पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब सेम रूल फॉलो हो रहा है। यू कुक्ड, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इसमें कभी भी थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होती। द फूड, अब बिफोर, इसके बाद सेकेंड वाला किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन इसमें एक चीज क्या है, इसमें इंटरोगेटिव में केवल एक ही बना ना, जैसे नॉट भी एक ही जगह लगाया था ना फर्स्ट वाला, वही इंटरोगेटिव में बनेगा, दोनों में इंटरोगेटिव नहीं लगाना। एक मतलब अफर्मेटिव रूल ही फॉलो करेगा, जैसा कि नेगेटिव में किया था, उसमें नॉट एक में ही लगाया था। बिफोर, अब मेहमान के आने से, मेहमान आना, ठीक है, बिफोर द पास्ट इंडेफिनिट गेस्ट केम सेकंड फॉर्म लगती है, हो गया। अब डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, एक तो मैंने आफ्टर वाला लिया है और ये डबल इंटरोगेटिव है, ये जो क्या है, ये वाला क्या और ये वाला क्या, दोनों डिफरेंट है, ये एक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वाला क्या है, व्हाट वाला क्या है, और ये वाला जो क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला क्या है, ये आप समझिएगा। अच्छा अब बात है, डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर गए और रोगी ने खाया, लेकिन पहले कौन सा काम होगा, पहले डॉक्टर जाएंगे फिर रोगी के खाने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब लेकिन ये बाद वाला है, तो पहले ये वाला काम हुआ, यानी इसको हम कह रहे पहले डॉक्टर गए, ये पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा और ये पास्ट हमारा इंडेफिनिट बनेगा। इतना हमें समझ आ गया, पास्ट इंडेफिनिट वाला पहले लगेगा आफ्टर में, तो रोगी ने क्या खाया था, व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल फॉलो कीजिए, परफेक्ट को भी भूल जाइए, डिड लगता है, द पेशेंट ईट यही लगता है। आफ्टर, अब पास्ट परफेक्ट पे आ जाइए, पास्ट परफेक्ट पे भी किस पे, अफर्मेटिव में, क्योंकि एक में ही इंटरोगेटिव लगेगा। आफ्टर द डॉक्टर हैड और थर्ड फॉर्म गोन, व्हाट डिड द पेशेंट डिड आफ्टर द डॉक्टर हैड गोन। तो ये आपके खत्म होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएंगे और आगे हम शुरू करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। अच्छा मैंने यह लिखता है, लिखिए बिफोर अ सर्टेन टाइम, इसके आगे मैं ऐड करूंगी इन फ्यूचर। ठीक है, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 10 o'clock, बिफोर अ सर्टेन टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि ये वर्क फ्यूचर में तो होगा लेकिन कुछ टाइम पहले, कोई निश्चित टाइम नहीं होगा। जैसे कि मैं इसमें कहती थी मैं कल यह काम करूंगी, तो ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनेट हो जाता था, कर रही हूंगी ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाता था, कर चुकी हूंगी ये होगा मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें क्या होगा, इसमें करूंगी, कर रही हूंगी, वो पॉइंट इन टाइम ये नहीं होगा, बल्कि चुकी हूंगी, मतलब उससे पहले ही मैं ये काम कर चुकी हूंगी, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क बाय 10 o'clock, यानी इसका मतलब क्या है, मैंने 10 o'clock, इसका मतलब मैं 10 o'clock पर फिनिश नहीं करूंगी, उससे थोड़ा पहले मेरा वर्क फिनिश हो चुका होगा, चाहे वो 9:45 हो, 9:50 हो सकता है, 9:55 पर फिनिश हो, 9:40 पर फिनिश हो, बट 10 o'clock तक आते आते मेरा वर्क फिनिश हो जाएगा, जस्ट उससे पहले ही फ्यूचर में। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है बिफोर अ सर्टेन टाइम, फ्यूचर में कुछ निश्चित टाइम से पहले ही, यानी हमारा बिल्कुल फिक्स टाइम, सर्टेन टाइम नहीं होके थोड़ा उससे पहले होता है। और इसमें टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय का यूज करके, बाय 10 o'clock, हम बाय नहीं हटा सकते, इसका मतलब
यहाँ तक 10 o'clock तक होने से जस्ट पहले ही मेरा काम फिनिश हो चुका होगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल है, एक ही इसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो उसमें भी सिंगुलर प्लूरल आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 10 o'clock, मैंने सेंटेंस को कई बार ऐसे रीड किया है, अब आपकी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, इससे आपको और भी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक इसमें इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और एक इसमें बिफोर वाले होते हैं, जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहले हम लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका हूँ, तो उसमें भी क्या होता है, दो काम हो रहे हैं लेकिन तुम आओगे और मैं खाना खा चुका हूंगा। तो सबसे पहला काम इसमें कौन सा हो रहा है, खाना खाने का, उसके बाद ही तुम्हारा आना होगा। तो जिसमें काम पहले ही होता है, जैसा कि मैंने पास्ट परफेक्ट में बनाया था, उसको तो हम बनाते हैं परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, और इसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि फ्यूचर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है और पास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। दोनों ही सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर यूज नहीं होगा। और यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे उसमें पास्ट परफेक्ट था तो पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ, उसमें फ्यूचर परफेक्ट था तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी तो हम यूज कर सकते थे। नहीं, जहां भी ये टाइम का लग जाता है, बिफोर आफ्टर व्हेन कंडीशनल टाइप के सेंटेंसेस जहां पर लग जाते हैं सून एज, वहां पर हम फ्यूचर टेंस का कभी भी यूज नहीं करते हैं। आप मेरी वीडियो में जाकर देखिए, मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में टाइम क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी बताया है आपको, कॉमन मिस्टेक्स में भी बताया है, व्हेन टू यूज में भी बताया है। आई विल हैव, वही विल हैव इसमें होती है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, उसके बाद मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। परफेक्ट मतलब थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखते हैं, आई विल हैव ईटन, ठीक है, यहाँ पर लग गया ईट एट ईटन, इरेगुलर वर्ब्स है। इरेगुलर वर्ब्स के लिए मेरी इरेगुलर वर्ब्स की वीडियो में जाइए, वहां पर सारी इरेगुलर वर्ब्स मैंने ज्यादातर कवर करवा दी, अगर आप वो लर्न कर लेंगे ना तो आपके लिए कोई भी वर्ब न्यू नहीं रहेगी। द फूड, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब बिफोर, इसके बाद पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट नहीं, तुम्हारे आने, यानी यू पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, और एस या यस, तो जो प्लूरल होते हैं उसमें एस या यस नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। आई विल हैव ईटन द फूड बिफोर यू कम, इसका ही अब नेगेटिव देख लेते हैं। अच्छा, इसमें नेगेटिव में बस नॉट लग जाता है, लेकिन नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब तो दो पार्ट में विल और हैव, तो कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में, विल नॉट हैव, सब्जेक्ट विल नॉट हैव, थर्ड फॉर्म, और आगे वही देखते हैं। टीचर के आने से पहले मैंने अपना काम कर लिया, समाप्त नहीं किया होगा, ठीक है, समाप्त नहीं किया होगा। अब इसमें वही बात आ गई, टीचर आएगी उससे पहले, तो पहले कौन से काम की बात हो रही है इसकी, तो फ्यूचर परफेक्ट में ये वाला बनेगा और ये वाला हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, नॉट में, अब दोनों सेंटेंस में तो नॉट लगता नहीं है, आपने पास्ट परफेक्ट अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही रूल है, बस इसमें फ्यूचर टेंस का यूज होगा, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेड की जगह विल हैव यूज होगा, बाकी सब सेम है। तो कहाँ लगेगा नेगेटिव और इंटरोगेटिव, मैंने पास्ट परफेक्ट में भी बताया था, हमेशा फर्स्ट सेंटेंस में चेंज होते हैं और सेकंड वाला सेंटेंसेस अफर्मेटिव ही रहता है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देखना होता है इसमें परफेक्ट कहाँ बनेगा, इंडेफिनिट कौन सा बनेगा, इसके बाद आप बना लो, फिर इसके बाद आप नोट लगा लो, सबसे सिंपल फंडा है, अफर्मेटिव बनाया और उससे ही आप सारे बना लो। आई अब विल नॉट है, नॉट नहीं होता तो विल है आता, विल नॉट है फिनिश माय वर्क बिफोर टीचर, टीचर क्या है सिंगुलर, कम्स, इसलिए एस लग गया, ठीक है। इंटरोगेटिव सिंगल इंटरोगेटिव की पहले बात कर लेते हैं, विल सब्जेक्ट हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने यहाँ ये वाला लिया है बाय वाला, ठीक है, एक ही वाला भी सेंटेंसेस देख लेते हैं, बिफोर वाले तो हम देख ही रहे हैं। क्या तुम इस किताब को अगस्त तक पूरा कर चुके होंगे, अच्छा विल, इसका क्या होता है विल, और इसके बाद इसमें आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद इसका बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का पार्ट लगता है हैव, विल यू हैव, इसके बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, इसके बाद दिस बुक, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दिए, यहां पर मैं लिख सकती हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट, और अगर टाइम वाला है तो उसके बाद बाय, और इसके बाद लिखूंगी मैं टाइम, ठीक है। अगस्त तक, इसमें हमेशा ऐसे होता है अगस्त तक, यानी इसका मतलब नहीं है परफेक्ट अगस्त की कोई पर्टिकुलर डेट सर्टेन टाइम, नहीं, बिफोर अ सर्टेन टाइम, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है अगस्त तक पहुंचते पहुंचते, हो सकता है 2 दिन पहले ही मैं पूरा करूं अगस्त के आने से, ऐसे होता है। बाय अगस्त विल यू हैव
will you have completed this book by August? अगर मैं इसमें negative भी लगा दूँ, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या तुम इस किताब को अगस्त तक पूरा नहीं कर चुके होगे? तो subject के बाद, not का लगेगा, वही बात आ गई, subject के बाद, will you not have completed this book by August? आप एक ले लेते हैं डबल इंटरोगेटिव का, बारिश होने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा? अब कहाँ, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन क्या चेंज होता है, क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, कहाँ इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर, वेयर, अब इसमें दो वाला सेंटेंस है, बारिश हुई और उससे पहले वह कहाँ जा चुका होगा, यानी ये वाला तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया और ये वाला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पहले हमसे वह कहाँ जा चुका होगा केवल इसकी बनानी है, वेयर, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बचा हुआ पार्ट वेयर विल ही है, इसके बाद थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, अगेन एक इरेगुलर, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे, ये टेंसेस में कुछ परफेक्ट और कुछ कंटिन्यूस से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनका नाम भी है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था, तो फर्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इसकी पहचान वही होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की होती है, रहा है रहे हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें हमारा टाइम दिया जाता है जितना अब तक फिनिश हो गया है, वर्क तो कंटिन्यू रहता ही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहता था, लेकिन इसमें हमें टाइम भी दिया जाता है, जैसे कि हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट करते हैं, वह सुबह से सो रही है, वह सो रही है, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था, लेकिन इसमें हमने टाइम दे दिया, और इसमें टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंस या फॉर लगता है, सिंस या फॉर लगता है, सिंस या फॉर की वीडियो मैंने एक सेपरेट बना चुकी हूँ, आप मेरी उस प्लेलिस्ट में जाकर सिंस या फॉर में डिफरेंस देखिए, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमें सिंस कहाँ यूज करना है, कहाँ पर हमें फॉर यूज करना है, फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर मतलब पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ दिया जाता है कि इतने बजे से, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मैंने यहाँ पर यूज भी किया है, उसमें हम सिंस लगाते हैं जैसे सिंस 10 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस इवनिंग, सिंस फ्राइडे, सिंस मार्च, सिंस 2010, सिंस आफ्टरनून, इस टाइप से स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, और जहां पर पूरा टाइम कैलकुलेट होता है कितना, उसको मैं हम लगाते हैं फॉर, जैसे कितना, हाउ मेनी, जहां पर सेंस आ जाता है वो होता है फॉर का, और जहां पर हाउ लॉन्ग सेंस आता है सिंस का होता है, मैंने आपको डिफरेंस क्लियर बताया, जैसे फॉर 30 मिनट्स, फॉर 5 डेज, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 मंथ्स, इस पर सिंस नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, यानी कैलकुलेशन हमारा फॉर करता है और सिंस वर स्टार्टिंग टाइम दे देता है, वह सुबह से सो रही है, शी हैज या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज यूज होता है सिंगुलर के साथ और शी हैव यूज होता है प्लूरल के साथ, एक्सेप्ट आई मैंने यहाँ लिखा है आप देख लीजिए, तो शीज, अब तक तो आपको अफर्मेटिव समझ भी आ गया होगा, स्ट्रक्चर हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, आई इसमें नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव लगता है हैज और हैव के बाद, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, सब दैट मैं 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स, मैंने यहाँ केवल नेगेटिव नहीं लिखा, अब नेगेटिव मैं कहाँ लगाऊंगी, यहाँ पर, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स, इसमें आप देखिए इसमें फॉर का यूज हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन हुई है कितने, हाउ मेनी का सेंस आ रहा है, फॉर 2 आवर्स कितने घंटे से, इस स्टार्टिंग पॉइंट मैंने नहीं दिया है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज या हैव से स्टार्ट होते हैं, वह 2 दिन से यहाँ क्या कर रही है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इंटरोगेटिव लिखा है, डबल इंटरोगेटिव की मैंने बात की है, सिंगल इंटरोगेटिव भी आप बना लेंगे इससे, सिंगल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, अगर मैं यहाँ इसी में ही आपको बता देती हूँ, इसी में ही अगर आपको मैं ये लिख दूँ वह क्या, वह 2 दिन से यहाँ है या यहाँ कुछ कर रही है, शी बीन डूइंग हेयर फॉर 2 डेज, तो ये हो जाएगा हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, लेकिन ये वाला जो क्या है ये डबल इंटरोगेटिव का है, व्हाट वाला है, What has she been doing here for 2 days? Again मैंने for का use किया क्योंकि calculation हो रही है, तो इस तरह से आपके use करते हैं हम present perfect continuous को, अच्छा अब past की बात कर रहे हैं, बस मैंने यहाँ क्या change कर दूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ past, आप लोगों के सामने पूरा form करूंगी और जैसा कि past का rule होता है था थी थे, बस यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा थी थे,
और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही होती है, हमें सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से मैंने ये हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी है, ये इसका हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। वह सुबह से सो रही है, तो क्या हो जाएगा? वह सुबह से सो रही थी, तो शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में भी हेड लगेगा ओनली। मैं दो घंटे से अपना काम कर रहा था, सिंपल। तो क्या लग जाएगा यहाँ? हैड नॉट बी। नेगेटिव में यहाँ पर मैं बीन हैड नॉट बीन, I had not been doing my work for 2 hours. इस टाइप से लगता है। वह दो दिन से यहाँ क्या कर रही थी? इंटरोगेटिव ऐसे हो जाएगा। वह दो दिन से यहाँ क्या कर रही थी? What had? देखिए कितना सिंपल है। Only has और have को हमने किससे रिप्लेस किया? Had से। What had she been doing here for 2 days? For का कॉन्सेप्ट सेम रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आ जाता है। हैज या हैव की जगह केवल हेड लगता है, इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल देखने की भी जरूरत नहीं है। इसी टाइप से अब हम अगेन चेंज कर रहे हैं, इसमें हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? फ्यूचर। ठीक है, होगा, रहा होगा, यही होता था फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यहाँ भी यही होगा, रही होगी, रहे होंगे। लेकिन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल है। ये तो फ्यूचर परफेक्ट की हो गई, इसके आगे लगा दीजिए बीन, तो हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। देखिए इससे ही मैं बता रही हूं, विल है बीन, सिंपल। वह सुबह से सो रही होगी, शी विल है बीन। अच्छा बीन तो यहाँ लिखा ही हुआ है, शी विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में, मैं दो घंटे से अपना काम नहीं कर रहा हूंगा, समझ रहे हो आप? तो यहां से हटा दीजिए, विल नॉट, विल नॉट Have been, will not have been. I up had not been की जगह will not have been. देखिए मैंने एक से ही सारा बना दिया, बिल्कुल सेम है। I will not have been doing my work for 2 hours. Interrogative sentences में भी has या have नहीं लगता है, क्या लगता है? सबसे पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड, क्योंकि विल हैव बी एक ही हमेशा पढ़ते हैं, ऐसे विल भी था तो उसमें भी हम पहला पार्ट दे लेते थे हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बचा हुआ पार्ट, ऐसी इसमें विल ले लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ पार्ट है बी। वह दो दिन से यहाँ क्या कर रही थी? नहीं, वह दो दिन से यहाँ क्या कर रही होगी? तो what will, इसके बाद subject, she, इसके बाद have been, what will she, इसके according ही चल रहा है, have been for doing here For 2 days. मैं फिर से कहना चाहूंगी, सिंस या फॉर का कॉन्सेप्ट आप मेरी सेपरेट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल्स में आपको बताया है काफी एग्जांपल्स देखकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, एक ही वीडियो में अब आप 12 टेंसेस लर्न कर चुके हैं, पूरे टेंसेस यहाँ खत्म हो गए। तो आपको मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी टेंस में कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, या मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल करिए, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कोई भी अब तक दिक्कत हो, मैंने हर टेंस को अभी तक 2 पार्ट में डिवाइड करके भी सेपरेट वीडियो में बताया है, और मैंने रिविजन के लिए भी आपके लिए ये वीडियो बना दी है कि एक ही वीडियो से आप टेंस कैसे लर्न करें। ठीक है,
तो हर टाइप के टेंसेस यहाँ रिकवर हो गए हैं। और इसके अलावा मैंने रेगुलर वर्ब्स, उसमें जो जरा थोड़ा भी वो आता था, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, डायनेमिक वर्ब्स, मिक्स्ड वर्ब और सिंस या फॉर, प्लस पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस पर भी सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाई हैं। तो आप मेरी वो वीडियो से पढ़ सकते हैं और रिवीजन के लिए आप केवल इस वीडियो से पढ़िए, आपके सारे टेंस रिवाइज हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन बटन प्रेस करने से आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ, क्योंकि टेस्ट तो यहाँ हमारा फिनिश हो गया है। अब देखते हैं हमें आगे क्या लेना है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक में, इंग्लिश ग्रामर के कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा डाउट रहता है, मैं वही टॉपिक आपका स्टार्ट कर दूंगी। और अभी तक किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसके डाउट्स भी मैं अलग सेपरेट वीडियो में बनाकर आपके क्लियर करूंगी। तो विल मीट यू नेक्स्ट सेक्शन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव लर्न टेंसेस।